हेलो, मेरा नाम प्रियांशु जैन है और इस वीडियो में मैं आपको ISS पेपर 1 2021 के ISS पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 12 को बताने जा रहा हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एटरीब्यूट्स ए एंड बी। यहाँ पे तीन कंडीशन दिए हैं, ए बी इज़ लेस देन ए, ए बी इज़ लेस देन बी इक्वल टू बी एंड ए बी इज़ ग्रेटर देन ए प्लस बी माइनस एन। विच ऑफ द अबव कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ऑन द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। तो एट्रीब्यूट्स, जब हम कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स हम जब पढ़ते हैं तब हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ द एट्रीब्यूट्स कंसिस्टेंसी ऑफ द एट्रीब्यूट्स। तो ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ द एट्रीब्यूट्स है, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो जब है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास केवल एक एट्रीब्यूट ए है तब क्या कंडीशंस होगी। जब आपके पास केवल एक होगी तो पहली कंडीशन है कि ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो और ए इज़ लेस देन एन। ये हमारी कंडीशन होगी जब हमारे पास केवल एक एट्रीब्यूट होगा, चाहे वो ए हो चाहे बी हो। अगर बी हो तो बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और बी इज़ लेस देन एन। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये आती है, इफ़ देर आर टू एट्रीब्यूट्स, अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स ए एंड बी हों तब हम क्या करेंगे, हमारी क्या क्या कंडीशंस होंगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और ए बी इज़ ग्रेटर देन ए प्लस बी माइनस एन, ए प्लस बी माइनस एन। तो ये हमारी दो प्रोबेबिलिटी होंगी, दो कंडीशन होंगी। और थर्ड कंडीशन ये है कि ए बी जो है वो लेस देन ए, एक ये होगी। और उसके बाद चौथी कंडीशन ए बी इज लेस देन बी। ये चार कंडीशंस हैं जो कि हमारे क्वेश्चन को में सेटिस्फाई होंगी। थर्ड कंडीशन है कि जब हमारे पास थ्री एट्रीब्यूट्स हों, हमारे पास टोटल थ्री एट्रीब्यूट्स हों, ए हो बी हो और सी हो, तब हमारे पास कैसी कैसी कंडीशंस बनाएंगी उनको लिख लेते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारी टोटल जो है इसमें एट कंडीशंस इसमें हमारी होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस बी। तीसरी कंडीशन है ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी माइनस ए। चौथी कंडीशन है ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी सी माइनस सी। पांचवी कंडीशन ए बी सी इज़ लेस देन ए बी, ए बी सी इज़ लेस देन ए सी, ए बी सी इज लेस देन बी सी एंड ए बी सी इज लेस देन ए बी, ए सी बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस एम। तो ये टोटल कंडीशंस हैं, इनमें से हमारी जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी
वो कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी दी थी। पहली कंडीशन ये दी थी जो कि सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से, दूसरी हमें ये कंडीशन दी थी ये भी सेटिस्फाई हो रही है, और तीसरी जो कि हमें ये दी थी ये भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों की तीनों हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो डी होगा। इसके बाद जो थर्टीन क्वेश्चन, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। तो जब बोल रहे हैं कि मीन डेविएशन हमारा मिनिमम होता है जब मीडियन से हम उसको लेते हैं। दूसरा है इफ द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द टू सीरीज आर नॉट द सेम देयर वेरिएबिलिटीज कैन बी कंपेयर्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। अ सीरीज विद अ स्मॉलर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोर कंसिस्टेंट। तो जिस ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला जो है हमारा आंसर करेक्ट है और सेकेंड वाला जो है हमारा आंसर रॉन्ग है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो है फर्स्ट एंड थर्ड। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।